सो गाइस आज हम सीखेंगे इसमें जो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, सीपीयू एमएमसी को रिवॉल्व करना सीखेंगे। यह पेस्टेड सीपीयू है और सबसे पहले मैं यहाँ पे पेस्ट लगाऊंगा और पेस्ट लगा के जितना भी जो बॉल के ऊपर जो रंगा लगा हुआ है इन सभी बॉलों पर क्लीन करूँगा। सो यहाँ पे मैंने जो शोल्डर पेस्ट लगा हुआ है इसको यहाँ से आयरन की मदद से निकाल लूँगा। तो भाई जैसे कि बॉल के ऊपर जो शोल्डर लगा हुआ था उसको हमने निकाल लिया। इसके बाद जो है SMD का जो है मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने टेम्परेचर लिया है और इस प्रकार से जो है जो पेस्ट लगा हुआ है इसको हम क्लीन कर लेंगे। ये देखिए जितना भी जो पेस्ट लगा हुआ है उसको हम हटा देंगे। यहाँ पे जो है पेस्ट जो है हट चुका है काफ़ी। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे डिसोल्डर से जो है एक बार फिर से क्लीन करूँगा। सो गाइस जैसे कि आप क्लीन कर रहे हो तो यहाँ पे जो है आयरन को ज़्यादा प्रेस नहीं करना, मतलब कि ज़्यादा दबाव देके आपको नहीं करना है, बिल्कुल जो है ऊपर ऊपर से करना है। अगर आप ज़्यादा दबाव से करोगे तो ये जो IC है उसका जो ऊपर का भाग है वो छिल सकता है, मतलब कि काफ़ी जो प्रिंट है वो डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे दबाव आपको नहीं देना है ज़्यादा और थोड़ा थोड़ा करके आपको करना है, ठीक है। एक बारी आप अगर करने के सोचोगे तो IC का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई होके और बॉल जो है वो आपस में जो है डैमेज हो सकता है। ये देखिए कुछ जो पॉइंट जो ग्लू रह गया है पेस्ट उसको हम फिर से निकाल रहे हैं। IC के कॉर्नर या चारों तरफ से जो है ग्लू बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर कहीं पर ग्लू रहता है तो जब हम रिवॉल्व करेंगे तो IC ऊपर नीचे जो है बॉल बनेगा, इस वजह से पूरा जो है क्लीन कर लेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे मैं जो ब्लैक ब्लैक बॉल जो है रह रहा है उन सभी पे जो है पेस्ट लगाऊंगा, शोल्डर पेस्ट। जितना भी ये ब्लैक बॉल है उन सभी पे मैंने शोल्डर पेस्ट लगा दिया और जो है हिट करूंगा। इसके बाद हिट करूंगा वो मैं एकदम से जो है हिट नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा करके करूंगा। तो ये बॉल जो है जो चमक नहीं रहा था उसके ऊपर रिसोल्ड हो सके। ये देखिए अगर एक आध बॉल रह गया है तो मैं उसको आयरन से जो है कर लूँगा। ध्यान रहे कि आयरन का दबाव ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के से करना है। जब आपका सभी बॉल चमकने लगे तो उसके बाद जो है हम इसको डिसोल्डर से जो है क्लीन करेंगे।
राइट, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा सभी बोल जो है बन चुका है, ये देखिए बिल्कुल चमक रहा है। आईसी जो है ऊपर से पूरा क्लीन कर लिया हूँ, इसका ग्लू जो रंगा जो लगा हुआ है सभी कुछ को हटा दिया हूँ, और अब मैं इसको जो है एक बार क्लीन करके थिनर से या पेट्रोल से, और इसके बाद हम इसको रिवॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले जो है मैं सीपीयू रिवॉल्व करूँगा, और सीपीयू का नंबर जो है वो 1 से 50 है, SDNS उसका 1 से 50 नंबर है, तो वो जाली जो है मैं यहाँ पे ले लूँगा। सुबह जाली जो है वो हमने यहाँ पे ले लिया है, और जो शोल्डर पेस्ट होता है उसको आप देख सकते हैं जैसे कुछ इस प्रकार से जो है हमें सुखाना है, ठीक है, किसी भी कपड़े में, और सुखा के उसके बाद यूज लेना है। आप सीधा यहाँ पे डायरेक्ट लगा दोगे तो बॉल छोटा बड़ा बन सकता है, इस वजह से हमें इसे थोड़ा सा जो है सुखा के उसके बाद यूज लेना है, ठीक है। तो फिर कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे फील करना है, आपको ये ध्यान रखना है सभी बोले जो है अच्छे से जो है यहाँ पे फील हो जाए, सभी जो बॉल है वो पूरा जाली यहाँ पे भर जाए, ठीक है। और उसके बाद जो है ऊपर जो है बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, उसको आप क्लीन कर लेना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे सीपीयू को जो है मैंने रिवॉल्व किया, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से रिवॉल्व हो चुका है। चलिए अब जो है ईएमएमसी है उसको भी हम यहाँ पे रिवॉल्व करने वाले हैं। सो गाइस ईएमएमसी का जो जाली है वो हमने यहाँ पे ले लिया है, और इसके बाद जो है इसके अंदर भी जो है हम शोल्डर पेस्ट जो है वो लगाने वाले हैं। सो गाइज अगर आप इस वीडियो से कुछ आपने सीखा होगा आईसी को रिकॉल करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस प्रकार से हमने दोनों आईसी को रिकॉल किया। थैंक यू फ्रेंड।